लेकिन आजकल मेल रखना बहुत पॉजिटिव रहता, उसका एक शॉर्टकट निकाल लिया सबने। उसमें वो क्या करते हैं, फीमेल की फीमेल के पास में मेल के स्पर्म्स लेके आते हैं और एक पतले डक से इंसिमिनेट करा देते हैं, क्या स्पर्म्स को क्या करते हैं, मेल की फीमेल की बॉडी में क्या कर देते हैं, इंसिमिनेट कर देते हैं। ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और इस तरीके से स्पर्म्स को आर्टिफिशियली रिलीज करने का तरीका क्या कहलाता है, आर्टिफिशियली इंसिमिनेशन कहलाता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? चलो बहुत बढ़िया बात। इधर वाला बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? इधर वाला बोर्ड दिखाई दे रहा है? अब पढ़ते हैं ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, यानी कि जो मैकेनिज्म है वो फर्टिलाइजेशन की क्या है, ह्यूमन में मैकेनिज्म। तो इसको कुछ इजी स्टेप्स में अपन क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। पहला है वो है अप्रोच करना, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। स्पर्म का ओवम तक पहुंचने के लिए जो मेहनत वाला काम है ना वो, ठीक है, वो कैसे किया जाए? तो मैंने जैसा कि तुम्हें बताया, मेल क्या करता है, लगभग 3 से 5 ml सीमन। सीमन क्या होता है, कौन बताएगा तुम्हें से, पढ़ा दिया तुम्हें सीमन क्या होता है भाई, दिमाग पे जोर डालो। देखें एक दो क्लास में बताया था पहले, बढ़िया। ठीक है, तो एक बार में लगभग 3 से 5 ml क्या किया जाता है, स्पर्म्स का इजेकुलेशन किया जाता है। और जो फीमेल का जो सर्विक्स पार्ट था, हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये वाला पार्ट कौन सा था, सर्विक्स पार्ट था, ये कौन सा था, वजाइना, ठीक है, दिस इज आवर यूट्रस पार्ट, ये हो गई हमारी ओवरी, ये हमारी हो गई फैलोपियन ट्यूब, जिसे आप हमने कोविड डक भी नाम दिया था, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, लास्ट क्लास में शायद मैंने बताया था, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, बुक में एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, ठीक है ना। ये हमारा इंपेंडिकुलम पार्ट होता है, दिस इज द एंटूडा पार्ट, और ये होता है स्पर्म्स, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट है, रिलीजेस ऑफ ग्लैंड्स, ये एसयू क्या था, वॉइस नहीं आ रही है, किसको नहीं आ रही भाई वॉइस,
चलो डायग्राम समझ में आ रहा है सबको, दिख रहा है डायग्राम? वीडियो एंड ऑडियो आर नॉट क्लियर ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, माइट बी अ पुअर नेटवर्क। अच्छा बोर्ड सभी को नहीं दिखाई दे रहा है या कुछ कुछ बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा? अनुष्का बोर्ड दिखाई दे रहा बेटा? लीना बोर्ड दिखाई दे रहा है? थोड़ा थोड़ा क्या आप बढ़िया सर बिल्कुल क्लियर ना बताओ लोग। देखो लीना के पास नेटवर्क बहुत अच्छा है। कीर्ति बेटा नेटवर्क इश्यू है तेरे वाले वाले में मोबाइल में, ठीक है ना? यहां से तो सही आ रहा है। हमारा कैंसर तो देखो लगभग 100 मिलियन स्टम्प्स क्या किए जाते हैं, लगभग 400 स्टम्प्स हैं यहां रिलीज कर दिए जाते हैं इस जगह सर्विक्स और पार्ट में क्या किया जाता है, लगभग 400 मिलियन स्टम्प्स क्या कर दिए जाते हैं रिलीज किए जाते हैं। 3 से 5 एमएम सिग्नल रिलीज किया जाता है एक बार एजाकुलेशन में। इसमें मेल हेल्प करता है, ठीक है? इसमें मेल हेल्प करता है कैसे स्टम्प्स को क्या करता है सर्विस के रिलीज पास में क्या करवाए जाते हैं रिलीज करवाए जाते हैं। इसमें से लगभग 100 मिलियन स्टम्प्स क्या होते हैं हेल्दी होते हैं, 100 मिलियन स्टम्प्स क्या होते हैं हेल्दी होते हैं। बाकी के लगभग स्टम्प्स को क्या कर दिया जाता है लगभग बाकी के यहाँ पे क्या होते हैं लगभग स्टम्प्स क्या होते हैं यहाँ एसिडिक नेचर की वजह से या उसकी मतलब परफेक्ट शेप ना होने की वजह से वर्किंग नहीं हो पाते। लगभग 300 स्टम्प्स तो क्या होते हैं यहाँ पे 300 मिलियन स्टम्प्स तो क्या होते हैं वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना? चाहे तो वो एसिडिक नेचर की वजह से उसकी क्या हो गई हो डेथ हो गई हो। भाई अपन ने बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर अप्लाई जरूर किए थे कि जिसकी वजह से इसमें से क्या ना हो यहाँ पे एसिडिक नेचर को अपन क्या कर सकें न्यूट्रलाइज कर सकें, लेकिन कंप्लीटली फिर भी नहीं हो पाता है। अब ये स्टम्प्स 100 मिलियन स्टम्प्स में से, ठीक है ना, ये क्या होने लगते हैं एक्टिव होंगे। कैसे होंगे एक्टिव होंगे यहाँ पे क्या करना चालू करेंगे ये मूव करना चालू करेंगे। किस तरफ करेंगे फैलोपियन ट्यूब की तरफ। इसके लिए इसमें क्या होने लगते हैं देखो स्पर्मेटोजोआस में क्या पाई जाती है 10 पाई जाती है ये तो तुम्हें सबको पता है, लेकिन है ना सिर्फ इसी वजह से स्पर्म्स क्या नहीं हो पाते ऊपर रिलीज नहीं हो पाते ऊपर की तरफ ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या होते हैं जो यूट्रस की वॉल्स है ना उसमें क्या होते हैं जो उसकी जो सीलिया वाला जो मूवमेंट है यहाँ पे क्या होते हैं कॉन्ट्रेक्शन होते हैं। क्या होते हैं कॉन्ट्रेक्शन होते हैं यहाँ पे क्या होने लगते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होने लगती है फर्टिलाइजेशन को सिक्योर करने के लिए यूट्रस की वॉल में क्या होने लगते हैं कॉन्ट्रेक्शन होने लगते हैं जिसकी वजह से स्पर्म क्या होते हैं ऊपर की तरफ ट्रेवल करना चालू करते हैं, ठीक है? स्पर्म ऊपर की तरफ ट्रेवल करना चालू करते हैं। बहुत कम स्पर्म्स ऐसे होते हैं जो ऊपर तक पहुंच पाते हैं, बहुत कम ऐसे स्पर्म्स होते हैं जो ऊपर तक पहुंच पाते हैं, ठीक है ना, जो ऊपर की तरफ क्या कर पाते हैं माइग्रेट कर पाते हैं। बताओ ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो एक वर्ड ये सुना होगा कैपेसिटाइजेशन, कैपेसिटी ये वर्ड सुना होगा किसी का? देखो एक्चुअल में ये वर्ड डिफाइन करता है उस पावर को उस कैपेसिटी को, कैपेसिटी वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये वर्ड, ये उस पावर को डिनोट करता है जो एक्चुअल गैमेट्स के अंदर पाई जाती है, जो एक्चुअली गैमेट्स में क्या होती है पाई जाती है। गैमेट्स में एक ये पावर होती है कि वो सिर्फ अपने स्पीसीज के, मैंने बताया था ना कि अपनी ही स्पीसीज के गैमेट्स से क्या किए जा सकते हैं फ्यूज किए जा सकते हैं,
यानी कि जैसे अगर अपन क्या करें, एक पेट्री डिश में उसमें एक ह्यूमन एग रखें और एक किसी एनिमल का, ह्यूमन के अलावा किसी अदर एनिमल का स्पर्म्स, उसको क्या करना, स्पर्म से क्या करना चाहे, उसको फर्टिलाइज करना चाहे, तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उन दोनों के गैमेट्स के बीच में क्या होती है, इंट्रोडक्शन होता है पहले से ही, ठीक है, कि फ्यूज होने की पावर एक दूसरे के गैमेट से हो सकती है। तो यहाँ तो चलो फिर भी ठीक है कि मेल ने गैमेट्स क्या किए थे, इंटरनल इनसाइड द बॉडी रिलीज किए थे, तो आइडेंटिफाइड क्या होंगे, स्पर्म्स होंगे, लेकिन सोचो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में तो मैंने बताया था एक मीडियम चाहिए, जैसे पानी में रिलीज करती है, तो वहां पे भी ये पावर काम करती है कि जैसे मान लो फ्रॉग है, फ्रॉग की तो बहुत सारी स्पीसीज होती है कि एक ही पॉन्ड में अगर फिश है और फ्रॉग भी है, ठीक है, और अदर इंसेक्ट्स भी है, अदर एनिमल्स भी है, तो वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उनके गैमेट्स कैसे इंटरेक्ट होंगे, इसके लिए उनके पास एक स्पेसिफिक पावर है, दैट इज कॉल्ड फैगोसिटेशन, जिसमें क्या होते हैं एक स्पेसिफिक स्पीसीज के गैमेट्स एक दूसरे को पहचानते हैं, जैसे फ्रॉग का स्पर्म फ्रॉग के ही एक से क्या होगा, फ्यूज होगा, अगर फिश है तो फिश के ही गैमेट्स क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे, ऐसे ही यहाँ पे ह्यूमन के में भी है, क्या फैगोसिटेशन पाया जाता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट को पहले से क्या करता है, पहचानता है, और उनमें क्या होती है फर्टिलाइजेशन की क्या होती है, पावर होती है, एक दूसरे को पहचानने की क्या होती है, वैसे समझ लीजिए बिल्कुल पावर होती है, यही पावर क्या कहलाती है, कैपेसिटेशन कहलाती है, ठीक है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, चाहे केमिकल इंडक्शन हो सकते हैं कि केमिकल मैसेजेस मिलते हो, लेकिन हाँ कोई ना कोई ऐसी पावर इनके साथ में काम करती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं एक दूसरे को डायग्नोज करते हैं, नॉर्मल सी बात है केमिकल पावर ही होगी, ठीक है, और इस काम में एक मैच्योर एक को, ठीक है, एक मैच्योर स्पर्म और एक को लगभग 5-6 घंटे लगते हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक आ गया, चलो आगे बढ़े। अब देखो होता क्या है, अपन ने पढ़ा था जो स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना, उसके ऊपर अपन ने पढ़ा था क्या पाया जाता है, ऊपर ऊपर टॉप पे क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है, याद है कुछ स्पर्म्स की स्ट्रक्चर, एक्रोसोम जिसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन का नाम था अपन ने लाइसिन, जो लास्ट क्लास में टेस्ट में तुमने किसी ने नहीं बताया था सही से, एक दो बच्चों को छोड़ करके, ठीक है, स्पर्म में क्या पाई जाती है, लाइसिन प्रोटीन पाई जाती है, जो क्या करने लगता है, एक के कॉन्टेक्ट में आते ही, एक के कॉन्टेक्ट में आते ही क्या होने लगते हैं, एक की जो आउटर लेयर से उनको डाइजेस्ट करना चालू कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, एसिड पाए जाते हैं, जैसे हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करने लगता है, डिसॉल्व कर देता है, जो क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है एक की आउटर साइड की लेयर, कौन सी, जोना पेलुसिडा को, किसको, जोना पेलुसिडा, जो एक की आउटर लेयर थी उसको क्या करना चालू कर देगा, जैसे ये एक है और ये हमारा स्पर्म का जो एक्रोसोम पार्ट है, एक्रोसोम पार्ट है ये क्या करना चालू करेगा, ये जोना पेलुसिडा है हमारी, जोना पेलुसिडा है, तो अपने स्पर्म ये अपने क्या कर देगा, यहाँ पे रिलीज कर देगा एंजाइम को, जिसकी वजह से हाइलुरोनिडेज एंजाइम इसको जोना पेलुसिडा को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, और इसकी आउटर लेयर क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी, यानी कि डिसॉल्व हो जाएगी, और इससे यहाँ पे स्पर्म की एंट्री के लिए क्या बन जाएगा, एक पाथवे बन जाएगा, स्पर्म की एंट्री के लिए क्या बन जाएगा, एक पाथवे बन जाएगा, चलो बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, कौन सा, एंट्री वाला, जिसे हम बोलते हैं स्पर्म पिनेट्रेशन, ठीक है ना, याद रखना स्पर्म पिनेट्रेशन, पिनेट्रेशन का मतलब क्या है, होल करना है, दो स्पेसिफिक केमिकल मैसेजेस इसमें काम करते हैं, अपन ने स्पर्म में पढ़ा था एंटी फर्टिलाइजिंग जो है वो उसके पास प्रोटीन पाई जाती है, और फर्टिलाइजिंग जो प्रोटीन है वो ओवम के पास पाई जाती है, ओवम के पास कौन सी होती है, फर्टिलाइजिंग, और स्पर्म के पास में कौन सी होती है, एंटी फर्टिलाइजिंग, यही मैसेजेस होते हैं जो एक दूसरे को क्या करवाते हैं, आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, यही जो मैसेजेस हैं, यही वो इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो क्या करवाते हैं, आइडेंटिफिकेशन देते हैं स्पर्म्स को और ओवम को एक दूसरे को, मतलब कह सकते हैं इंट्रोडक्शन
करवाने के लिए, एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करवाने के लिए, यानी कि ये ऐसे कह सकते हैं कि जो सेम स्पीसीज का जो काम हो रहा था, यानी कि जो कैप्सुलेशन वाला जो प्रोसेस है वो एंटी फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो मिलकर के करती है, दोनों एक दूसरे को क्या करती है पहचानती है, जिसकी वजह से पहचानने के बाद में क्या होता है एक स्पर्म आगे अटैच होता है, अटैच होने के बाद एक और स्पर्म हमारा काम करना चालू करता है, जिसमें क्या होता है लाइसिन एंजाइम पाया जाता है। लाइसिन क्या है, एक एसिडिक प्रोटीन है, इसके अंदर हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या कर देता है, जोना पेरिसोडोल क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? तो देखा अपन ने एक की जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना बेटा, तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी, चार तरफ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिसकी तरफ से एक लेयर सी बन जाती है। एक का जब अपन ने डायग्राम बनाया था तब दोनों पेरिसोडा और कोरोना रिलेटेड के चार तरफ ऐसे अपन ने देखे थे, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, एक कोर्टिकल लेयर पाई जाती है ना, तो ये कोर्टिकल के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं कोर्टिकल के, क्या होते हैं छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, फ्री विटेलाइन मेम्ब्रेन थी जो अंदर योग से भरा हुआ था, इसके और इसके बीच में एक मेम्ब्रेन खाली स्पेस था, ये क्या करते हैं जैसा ही एक स्पर्म अंदर एंट्री कर जाता है ना, उसके तुरंत बाद ये क्या होने लगते हैं, इनमें से केमिकल रिलीज हो जाते हैं और ये क्या करते हैं अपने चारों तरफ, ये ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं आपस में मिलकर के चारों तरफ एक कवरिंग बना देते हैं, एक के अपने एक के चारों तरफ क्या बना देते हैं, एक स्पर्म तो हमने अंदर डाल दिया, एक स्पर्म को तो हमने क्या कर दिया अंदर की तरफ धक्का दिया, टेल वगैरह डाल ले जाती थी, याद रखना टेल वगैरह का कोई काम नहीं, टेल वगैरह बस यहाँ तक एनर्जी एनर्जी प्रोवाइड करवा दी, अब इसका मुंह भी घूम जाएगा, स्पर्म जो ऐसे आएगा ना एक्सोसोम हेड की तरफ से या भी ऐसे अपोजिट हो जाएगा, ऐसे आकर सेंट्रोसोम से एंगल चेंज कर लेगा, तो अब इसके एक स्पर्म को अंदर करवा दिया, अब चाहे 10 स्पर्म इस पे लटके रहो बाकी सारे स्पर्म हमारे कोई काम के नहीं है, बाकी सारे स्पर्म क्या हो जाएंगे बाहर के बाहर ही रह जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटीन बन रही है और वो प्रोटीन क्या करती है इसकी सरफेस को क्या कर देती है, मतलब एक प्रोटेक्टेड कवर बना देती है। ठीक है, वो मूवी थी ना कौन सी बाहुबली वाली, उसमें वो कवर बनाते हैं ना लड़ाई के टाइम, बिल्कुल वैसी क्या कर देते हैं ये कवरिंग तैयार कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बाकी के क्या नहीं होते स्पर्म्स एंट्री नहीं कर पाते, ऐसा कह सकते हैं एक, एक फर्टिलाइजेशन के अपोजिट काम करने वाली एक प्रोटीन सी बना देते हैं, एक प्रोटेक्टेड लेयर बना देते हैं एक के चारों तरफ, जिसकी वजह से एक से ज्यादा स्पर्म्स क्या नहीं कर सके इसके अंदर एंट्री नहीं कर सके, जो स्पर्म पहले घुस गया ना अंदर वही काम अपना हेल्दीली कर देगा, बाकी की कोई जरूरत नहीं है। बताओ क्यों दिक्कत है क्या यहां तक, चलो बस एक छोटा सा टॉपिक बच गया है वो नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगा, जो तो टाइम हो गया दूसरी क्लास का, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, आ गया सबको समझ में, एक बार थोड़ा पढ़ना बहुत इजी सा, इसमें तो कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, छोटा सा टॉपिक बच गया इतना सा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन अगला चैप्टर भी चालू करेंगे, थोड़ा सा पढ़ के आना एक आधे क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड बाय, थैंक यू।